जय हिंद, डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार 2022-23 के लिए रीअप्लाई के लिए जो आवेदन मांगा गया है उसके एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस प्रकार सही तरीके से फिल करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को अटैच करना है एवं उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार सबमिट करना है, ये सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय मुख्यालय के तरफ से एलिजिबल लिस्ट जारी की गई है उन लोगों का जो राष्ट्रपति पुरस्कार 2022-23 के रीजनल और नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए एलिजिबल है, उनका लिस्ट जारी किया गया है। अगर आप एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है राष्ट्रपति पुरस्कार का, उसको हम किस प्रकार सही तरीके से फिल करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो स्टेट हेडक्वार्टर की तरफ से, तो इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं रीअप्लाई के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है राष्ट्रपति पुरस्कार का, उसे हम किस प्रकार सही तरीके से फिल करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहले पेज को आपको फिल करना है, यानी सिर्फ पहले पेज को आपको फिल करना है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ये हमारा पहला पेज हुआ, इस पेज को आपको फिल करना है। बाकी आप फिल करने से पहले एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एवं स्टेट हेडक्वार्टर से आप संपर्क करके जानकारी ले लें कि आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या फिर आपको सिर्फ प्रथम पेज को फिल करके सबमिट करना है। तो जैसा कि सबसे पहले आपको ऊपर आपके राइट साइड में दिख रहा है SHQ सीरियल नंबर और लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको DHQ सीरियल नंबर, इस दोनों को आपको फिल नहीं करना है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट हेडक्वार्टर को फिल करना है। तो फिल करने से पहले सबसे पहले आपको इसको ध्यान रखना है कि से जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको अपने हैंड राइटिंग में कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है, इसमें कोई भी ओवरराइटिंग आपको नहीं करनी है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स स्टेट हेडक्वार्टर और जो ब्लैंक जगह है इस ब्लैंक जगह पर आपको अपना स्टेट का नाम फिल करना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको दिख रहा है नीचे आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट की जगह पर आपको अपने जिले का नाम फिल करना है, और जो आपके राइट साइड में जो फोटोग्राफ का आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको अगर आप स्काउट्स हैं या गाइड्स हैं या रोवर्स हैं या रेंजर्स हैं तो आपको अपने यूनिफॉर्म में पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आपका जो ग्रुप लीडर है या फिर आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, अगर आप स्कूल से स्काउटिंग कर रहे हैं तो उनसे आपको यहाँ पे अटेस्टेड करवाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर दिख रहा है आपको नेम ऑफ द स्काउट्स, तो आपको अपना नाम फिल करना है, ये एक स्काउट का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी प्रकार से आप गाइड रोवर रेंजर का भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिख रहा है फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको ए में आपको फादर्स नेम और बी में आपको मदर्स नेम फिल करनी है, कैपिटल लेटर में फिल करना है, कोई भी ओवरराइटिंग आपको नहीं करनी है। उसके बाद नंबर 3 पर दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके नीचे दिख रहा है आपको सपोर्टेड बाय एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड, तो जो आपका 10th में जो आपका मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को आपको यहाँ पे फिल करनी है, और साथ ही साथ उस एडमिट कार्ड या मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आपको इसमें अटैच करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ की जगह आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और एज की जगह पर जो अभी आपका एज हो रहा है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। होम एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट ईमेल आईडी आधार नंबर आपको फिल करनी है, और उसके नीचे आपको दिख रहा है अटैच फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको इसमें अटैच करनी है। उसके नीचे आपको दिख रहा है 5 नंबर पे PSG UID नंबर,
तो जो 12 डिजिट का BSGUID नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ यूनिट। तो जो आपका यूनिट है या फिर आप जिस स्कूल या कॉलेज से स्काउटिंग गाइडिंग रोवरिंग रेंजरिंग कर रहे हैं उसके एड्रेस को फिल करना है। तो सबसे पहले लाइन में आपको फिल करना है अपने यूनिट या स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करना है, उसके बाद उनका एड्रेस फिल करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करना है, फिर जो चार्टर नेम है ग्रुप का जो चार्टर नंबर होता है उसको फिल करना है, वो चार्टर नंबर का जो इश्यू डेट है उसे फिल करना है, और उसकी जो वैलिडिटी है वो आप उसको फिल करेंगे। ये सभी आप लीडर से संपर्क करके इसको फिल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में सिग्नेचर ऑफ स्काउट मास्टर। तो यहाँ पर जो स्काउट मास्टर है उनका सिग्नेचर होगा। अगर रोवर्स हैं तो रोवर लीडर होंगे, रेंजर लीडर होंगे, गाइड कैप्टन होंगे, उनको यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद जो आपको राइट साइड में दिख रहा है सिग्नेचर ऑफ स्काउट, तो जो स्काउट है उनको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर ऑफ स्काउट जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, इसके नीचे नहीं करना है। नेक्स्ट उसके नीचे आपको 7 नंबर पे दिख रहा है नेम ऑफ द स्काउट मास्टर। तो जो आपके स्काउट मास्टर हैं उनका नाम उनका नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उनकी स्काउटिंग क्वालिफिकेशन क्या है, एडवांस है, SWB है, ALT है, PRE-LT है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है अब आपको यहाँ पे फिल करनी है। उनके सर्टिफिकेट नंबर को फिल करनी है। जैसे आपका जो स्काउट मास्टर है वो SWB होल्डर है तो उनके सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे फिल करना है, ये आपके स्काउट मास्टर फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट है, डेट में आपको तारीख फिल करना है, जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके डेट को यहाँ पे फिल करना है। फिर है वारंट नंबर, तो जो आपके स्काउट मास्टर है उनको जो वारंट नंबर जारी किया गया है उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ इशू, वो वारंट नंबर कब जारी हुआ है उसके डेट को यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ वैलिडिटी, वो जो वारंट नंबर है उसकी वैलिडिटी क्या है उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। और उसके नीचे दिख रहा है आपको अटैच फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट परचेमेंट एंड वारंट ऑफ SM। तो जो आपके स्काउट मास्टर हैं या जो आपके गाइड कैप्टन हैं, रेंजर लीडर हैं, रोवर लीडर हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन का, अगर SWB है तो SWB सर्टिफिकेट फिल कर, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और जो परचेमेंट नंबर मिला उनको फोटोकॉपी, और उनका जो वारंट नंबर है उनका फोटोकॉपी आपको इसमें अटैच करना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपको दिख रहा है सील एंड सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, तो जो जिला सचिव है आपके उनका आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और मुहर लगेगा। और उसके नीचे आपको दिया है डेट, तो डेट आपको फिल करना है जिस डेट को आप उनसे सिग्नेचर और मुहर करवा रहे हैं। फिर आपको राइट साइड में दिख रहा है सील एंड सिग्नेचर ऑफ DOC स्काउट, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर जिला संगठन आयुक्त हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और वो एक मुहर लगेगा, और उसके नीचे आपको डेट फिल करनी है। फिर नीचे आपको दिख रहा है फॉर स्टेट हेडक्वार्टर यूज, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा काम स्टेट हेडक्वार्टर का है वो इसको फिल करेंगे। और उसके नीचे दिख रहा है फॉर रीजनल हेडक्वार्टर यूज, इसे भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये रीजनल हेडक्वार्टर फिल करेंगे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भर करके जमा कर सकते हैं, और इस फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से स्टेट हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा और स्टेट हेडक्वार्टर की तरफ से रीजनल हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा। इस प्रकार से आप अपना रीअप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भर करके जमा कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई है। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।